दोस्तों, मौजूदा साल यानी 2020 मनोरंजन की दुनिया के लिए सबसे अनोखा साल साबित हुआ है। कई ऐसी बातें हुई हैं जो कभी सोची नहीं गई थी, जैसे कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ सिनेमाघर सारे बंद हुए और सारी फिल्मों को OTT पर ऑनलाइन रिलीज करना पड़ा। छोटे मोटे फिल्म मेकर तो ऑलरेडी रिलीज कर रहे थे, बट बड़े फिल्म स्टार्स और बड़े प्रोड्यूसर्स ने बड़ी मुश्किल से बेमन से रिलीज किया OTT पर आकर। अब फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ ये आगे की कहानी है, बट सब थिएटर्स वाले मूव करके OTT पर आ गए। अब तक OTT ही सारी फिल्मों का फ्यूचर लग रहा था, OTT ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। बट इसी साल एक और जाते जाते बहुत बड़ा चेंज आया है, और वो चेंज ये है कि इस बार OTT ही आखिरी मंजिल नहीं है फिल्मों की। अब OTT से कदम आगे बढ़ते हुए TV को सीधे सीधे रिलीज करने के लिए फिल्म मेकर्स ने चुन लिया है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि थिएटर्स की फिल्में पहले OTT पर डायरेक्ट रिलीज होती थी, उसके लिए आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप लॉगिन चाहिए होता था, बट आप उससे ही बच जाएंगे और अब सीधे फिल्में आपके चैनल पर सीधे रिलीज होंगी, मतलब डायरेक्ट टू आपके टेलीविजन पर। इसकी शुरुआत हुई है सीधे एक मूवी से, इसका नाम है इट्स माई लाइफ। ये मूवी साउथ इंडियन पिक्चर बोमा रिल्लू का रीमेक है, जिसे ओरिजिनली किया था रंगदे बसंती फिल्म सिद्धार्थ ने। इस मूवी को बनाने के लिए डायरेक्टर जो चूज किए गए थे वो बहुत फेमस डायरेक्टर हैं। उन्होंने नो एंट्री बनाई थी, सिंगिश किंग बनाई थी, जी हाँ अनीस बज्मी। अनीस बज्मी के डायरेक्शन में ये पिक्चर बोनी कपूर ने और संजय कपूर ने मिलकर प्रोड्यूस करी थी। और इसकी कास्ट की बात करें तो इसमें नाना पाटेकर हैं, हरमन बावेजा हैं और हमारी जेनेलिना डिसूजा भी हैं, जो कि फिल्मों से ब्रेक ले चुकी हैं, बट ये मूवी तब की है जब वो फिल्मों में काम करती थी। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं ये मूवी काफ़ी पुरानी है, और बोनी कपूर ने साउथ इंडियन फिल्मों के राइट्स खरीदने की जो ट्रेडिशन स्टार्ट की थी उसी दौरान इन्होंने इस पिक्चर का भी रीमेक बनाया था। तो जेनेलिना डिसूजा हैं जो काफ़ी दिनों बाद आपको पर्दे पर दिखाई देंगी, छोटे पर्दे पर सही। हरमन बावेजा हैं जो ऋतिक के डुप्लीकेट कहे जाते हैं, जिनकी लव स्टोरी 2050 बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी प्रियंका चोपड़ा के साथ, तो वो भी अब फिल्मों से आउट हो चुके हैं, बट चूंकि पहली की मूवी है तो बड़े फिट और हैंडसम नज़र आ रहे हैं। नाना पाटेकर जो मीटू कैंपेन की वजह से फिल्मों से बैन कर दिए गए थे, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। तो एक तरह से पुराना बासा सिनेमा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये साउथ का रीमेक है तो एंटरटेनमेंट की गारंटी एक बन जाती है। प्लस अनीस बज्मी ने डायरेक्शन किया इसका, तो मूवी की एंटरटेनमेंट वैल्यू जरूर होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिल्म सीधे सीधे TV स्क्रीन पर आ रही है, यानी जी सिनेमा पर आ रही है, तो आपको इसके लिए एक भी रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे जैसा कि आप OTT प्लेटफॉर्म पर पे करते हैं। तो पूरी तरह से मुफ्त सिनेमा है, फैमिली ड्रामा है, और आप जैसे साउथ की फिल्मों का मज़ा लेते हैं पहले थिएटर पे, OTT पे, फिर TV पे, यहाँ पर आपको एक साउथ की देसी वर्जन देखने को मिलेगी, वो डायरेक्ट आपके TV चैनल पे। तो तारीख है आपकी नवंबर की 29, यानी 29 नवंबर को आपकी TV स्क्रीन पर इट्स माई डे रिलीज होने वाली है। इनके प्रोड्यूसर्स ने प्रेस रिलीज सारे प्रेस को भेज दिया है, जिस रिलीज के जरिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो आप 29 नवंबर को पिक्चर देखिए और बताइए कि स्टार जरूर पुराने हैं, बट कहानी और ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट में आके मुझे बताइए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनल पोस्ट।